सो गाइस अब हम आते हैं 4.3 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि टू वाटर टैप्स हैं जो टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 3 1/8। मतलब दो वाटर टैप हैं, दो नल हैं जो किसी टैंक को है वो साथ में मिलकर 9 3/8 आर, दैट मीन्स आपका 9 7 मतलब 75/8 आर में फिल कर देते हैं। अगर उनको सेपरेटली करें तो जो लार्जर वाला डायमीटर वाला जो टैप है वो स्मॉलर वन से कितना 10-10 आवर्स कम लेता है, तो हमें बताना है कि दोनों सेपरेटली कितना टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है सपोज ही करना पड़ेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द, हम स्मॉलर को ही मान सकते हैं और लार्जर को ही मान सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि जो लार्जर है वो आपके स्मॉलर से 10% मतलब 10 आवर कम लेता है। तो अगर मैं स्मॉलर मानता हूँ, लेट स्मॉलर टैप टेक्स टाइम, अगर वो कितना एक्स आर लेता है, कितना आर लेता है एक्स, तो जो आपका लार्जर है, लार्जर टैप जो है वो कितना टाइम लेगा, वो आपका इससे 10 घंटे कम लेगा। कितने घंटे कम लेगा, 10 घंटे कम, तो ये एक्स माइनस 10 आर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। दोनों साथ में मिलकर, दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर आपका 78/8 आर में चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्क थ्योरम लगाते हैं कैसे कि अगर मान लो कि एक आर में कितना भरेगा, तो 1/x, यहाँ पर 1/x-10, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका 8/75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे एक्स और ये आपका हो जाएगा x-10 इधर जाएगा, तो ये x-10 और ये आपका x हो जाएगा, तो ये आपका 8/75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x और x कितना हो जाएगा, ये 2x-10 और ये आपका कितना हो जाएगा, x²-10x=8/75। तो आप यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो 75 × 2x हो जाएगा 150x और ये माइनस का 750 आपको हो जाएगा 8x²-80x। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, नीचे ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब इसको हम 8x² ऐसा ही रहने देते हैं, 8x²-80x = क्या है आपका 150x-750। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x² - 80x और माइनस का आपका 150 हो जाएगा और ये प्लस का 750x है ना, और ये आपका 750+0। तो देखो 8x² तो ऐसा ही रहेगा, 80 और 150 कितना हो जाएगा आपका, ये 80 और 150 आपका हो जाएगा ये 230। ठीक है ना, 230 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये प्लस 750 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं सभी पूरी इक्वेशन को 2 से कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4x² 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, 1 ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका फिर से 1 और ये 115x और आपको इससे फिर 2 से देंगे 2 3 और 2 7 275 = 0। अब ये गाइस जो इक्वेशन बनी है ये बहुत लंबी चौड़ी बनी, तो इसमें हम फार्मूला मेथड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही है। तो फार्मूला मेथड का यूज़ करने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पर आपको पता है कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी -115 है और c की वैल्यू आपकी 375 है। अभी वैल्यू आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो x = -b मतलब -115 + √115² - 4 a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 375 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका 2 × 4। सो गाइज अब थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन होने वाला है, बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम कैसे क्या होगा, 115 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर करना है मुझे 115 का, तो मैं कैसे करूँगा, 115 × 115 करने की जगह मैं क्या करूँगा, ये 11 दिया है तो इसको मैं करूँगा 11 × 12 और ये तो आपको पता ही 25 होता है, ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, एक ज़्यादा लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 12 कैरी 11 132 और ये 25, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा 132 और ये 25 माइनस। अब इसको करेंगे 4 × 4 = 16, ये आपका कितना हो जाएगा 16 × 375। तो गाइस 16 का टेबल आता है, नहीं आता, चलो मुझे आता है, 16 × 5 = 80 कैरी 8 16 7 में 16 7 112 होता है,
तो 112 और 8 तो 120, तो कैरी आया 12, 16 3 से कितना 48 होता है, वेरी गुड। तो 48 और 12 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6000 और अपॉन में 42 का कितना चल रहा है 8 चल रहा है, तो x कॉस्ट टू कितना हो जाएगा 115 प्लस माइनस, माइनस कर दीजिए 13000 में से 6000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7225 नहीं 7225 8। अब आपको यहाँ पर भी देखो ट्रिक लगानी चाहिए, जैसे ये वाली ट्रिक लगाई थी मैंने, तो वैसे आप देखेंगे 8 इंटू 9 कितना होता है 72 और 55 तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ 8 इंटू 9 तो कर दिया मैंने, मतलब कि 85 का है। तो x का क्या हो जाएगा 115 प्लस माइनस ये 85, इसका जो आया 85 का है अपॉन में 8, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, वही एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन, माइनस साइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है हालांकि, लेकिन ले लेते हैं। x का क्या हो जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन सॉरी ये 8 है ना, तो क्या हो जाएगा x का हो जाएगा 0 और ये आपका 0 और ये 2 और 8 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 2 16 कितना बचा आपका 4 85, तो x की वैल्यू होगी 25 और एक और यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, तो x कॉस्ट हो जाएगा 115 माइनस 85 अपॉन में 8 तो कितना हो जाएगा 038। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्योंकि कुछ रैशनल नंबर आएगा 30 से डिविजिबल तो है नहीं है, तो और वैसे भी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि जैसे अगर मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, जैसे चलो मैं डिवाइड करता हूँ कितना हो जाएगा 8 2 8 3 24, मतलब कुछ तीन घंटे को चाह रहा है। अब चूंकि वो उससे 10 घंटे कम लेता है, या क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने कि जो स्मॉलर टैप है उससे लार्ज टैप 10 घंटे कम लेता, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स की वैल्यू 3 घंटे होगी तो उससे 10 घंटे के माइनस 7 घंटे में चलेगा वो, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 25 ट्रू होगी। तो जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप एक्स कॉस टू क्या कर रहा है 25 आर ले रहा है, तो जो आपका लार्जर टैप होगा वो कितना है x माइनस 10 है, मीन्स 25 माइनस 10, मतलब कि ये 15 आर लेगा, ठीक है गाइस। तो ये अकेला भरने में 25 घंटे लगा, अकेला भरने में 15 घंटे लगाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से इसका कैलकुलेशन समझ सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको पसंद आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक ज़रूर करिएगा।